जैसे जैसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध का ज्वालामुखी फटने को आ रहा है, वैसे वैसे हिजबुल्ला लगातार इसराइल के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला ने अपना एक जासूसी ड्रोन कब्जे वाले फिलिस्तीन में भेजकर इजरायली सेना के तमाम खुफिया सैन्य अड्डों, एयर डिफेंस, हथियार कंपनियों का भेद जान लिया था और हिजबुल्ला ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि अब इजरायली सेना के अड्डों की जानकारी उसके पास पहुंच चुकी है और अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला करने की जरूरत की तो इसराइल का क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। लेकिन अब इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल के साथ एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वो ये है कि हिजबुल्ला ने दोबारा अपना एक जासूसी ड्रोन भेजकर इजरायली सेना के कई राज जान लिए हैं। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले सीरियन गोलन इलाके में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था और ये ड्रोन काफी समय तक इस इलाके में उड़ान भरता रहा और IDF के सारे महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। और तो और IDF को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये ड्रोन सीरियन गोलन में IDF के सारे भेद जानकर वापस लेबनान लौट आया। दरअसल हिजबुल्ला ने इस ऑपरेशन का 10 मिनट का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इसराइल के 6 रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी अड्डों को दिखाया गया है। इसमें पश्चिम और पूर्वी स्लैगिम साइट्स, एस्त्रा साइट, इजरायली साइट, अवीतल साइट और तेलफारेस सैन्य अड्डे शामिल हैं और हिजबुल्ला ने इस ऑपरेशन को होपोए पार्ट 2 का नाम दिया है। हिजबुल्ला के मुताबिक IDF के इन सैन्य अड्डों से जासूसी, गाइडेंस, लंबी दूरी की मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जैसे जैमिंग और डिसेप्शन किए जाते थे। इसके अलावा इन सैन्य अड्डों पर प्रमुख संचार नोड्स और डेटा एक्सचेंज और 9,900 यूनिट और 8,200 यूनिट की फोर्स भी है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF के इंटेलिजेंस और शुरुआती चेतावनी देने वाले सैन्य अड्डों को वीडियो में कैद किया है और इसे द आई ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल का नाम दिया गया है। हिजबुल्ला ने अपने इस वीडियो में कई परतों से इन सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी हासिल की है। वीडियो में उन सड़कों को भी फिल्माया गया है जिन्हें IDF ने हमास के हमले के वक्त बनाया था और इन रास्तों पर इजरायली सैनिकों के कई शेल्टर्स भी बनाए गए थे। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में ये भी आ रहा है कि आगे अभी बाकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि साफेद और तबारिया की जासूसी का वीडियो अगले एपिसोड में आना बाकी है। हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया है उसमें जो जानकारी हासिल की है वो ये है कि हबुशित और मालहा गोलन बैरिक पर नए पॉइंट स्थापित किए गए हैं। युआव बैरिक्स पर आर्टिलरी और मिसाइल बटालियन अल जलील और गोलन फ्रंट्स पर ऑपरेट कर रही है। सदन रिवाया बैरिक्स पर 71वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है जिसमें 188वीं ब्रिगेड है। उत्तरी रिवाया बैरिक में 74वीं बख्तरबंद बटालियन का हेडक्वार्टर है। अली का बैरिक्स में 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड का प्रमुख मुख्यालय है, वहीं कीरिन बैरिक्स के गोलन फील्ड में पैदल सेना का कैंप है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के इस वीडियो से इसराइल में बवाल मच गया है। इजरायली मीडिया IDF से जवाब मांग रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डों की जानकारी हासिल कर ली है जो उत्तर में है और हिजबुल्ला का ये नया वीडियो नई चिंताएं पैदा करता है और कई रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिजबुल्ला IDF के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है
और ये वीडियो साबित करता है कि कैसे इजरायली सेना इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाई। कुछ मीडिया हाउसेस का तो ये भी कहना है कि हिजबुल्ला के इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए IDF को और कितने F-35 जेट्स चाहिए, और कुछ जानकारों का कहना है कि हिजबुल्ला न सिर्फ IDF के संवेदनशील ठिकानों तक जासूसी कर रहा है बल्कि वो इन पर हमला भी कर सकता है, जिसमें IDF को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो इसराइल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।